हम इस वीडियो में पूरे भारत के 7 राज्यों के क्रम को याद करने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक कहानी के अनुसार। तो कहानी शुरू होती है अपने अरुणाचल प्रदेश से। अब अरुणाचल प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सूर्य से ये कहानी शुरू होती है। और सूर्य को क्या बोलते हैं हम? अरुण। क्या बोलते हैं? अरुण। तो सूर्य उदय होने से क्या हुआ, सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे क्या होगा, इसके नीचे रहने वाले नाग बाहर आ गए। नाग नाग से क्या बनेगा? नागालैंड। जब ये बाहर आए तो देखा कि इनके नाग जो हैं, उन नागों के नीचे क्या है? मणि। ये कैसे नाग है? इनके नीचे, इनका जो फण है ना, उनके नीचे मणि है। तो नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर। तो मणि से क्या बनेगा? मणिपुर। जब लोगों को पता चला कि नाग के पास मणि है, तो उन्होंने मणि देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हुए और उनको क्या आ गया? मजा। तो मणि को देख के क्या इनको? मजा। मजे से क्या बनेगा? मिजोरम। मिजोरम। जब ये मजा आया इनको, तो यहाँ के लोग ने क्या करा? डांस करने लग गए। क्या लेके? त्रिशूल लेके डांस करने लग गए, तांडव करने लगे। अब पता है वो तांडव करते हैं तो क्या होगा? बादलों में आसमान है, बिजलियाँ कड़कती है, बादल छा जाते हैं, यानी त्रिशूल से क्या बनेगा अपना? क्या बनेगा? मेघालय। त्रिपुरा। त्रिपुरा। जब इन्होंने डांस किया तो उसके ऊपर क्या छा गए? बादल। अब ये जो मेघालय एकदम बादल की तरह ही है, यानी मेघ छा गए। और मेघ जब बारिश हुई, यानी मेघ से क्या बनेगा? मेघालय। मेघ से क्या बना? मेघालय। मेघ। मेघ से क्या बनेगा? मेघालय। तो मेघ जब बरस गए, पूरे बारिश हो गई, उसके बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, तो ऊपर क्या दिखने लगा अपन को? आसमान। तो आसमान से क्या बनेगा? आसमान से क्या बनेगा? असम। हाँ। तो इस कहानी से हम पूरे 7 राज्यों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ देखते हैं अरुण से क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे अरुण से क्या, जब गर्मी हुई तो क्या निकले? नाग। नागों के नीचे क्या थी? मणि। मणि को देख के क्या लोगों को? मजा आ गया। और फिर उसके बाद डांस करने लगे। क्या लेकर करने लगे? त्रिशूल। और जब त्रिशूल के लेके डांस करा, तो उन्होंने क्या छा गया ऊपर? मेघ। मेघ बरसने के बाद क्या दिखा ऊपर? आसमान। तो इस ट्रिक से हम 7 के 7 राज्यों का क्रम भी याद रख सकते हैं और नाम भी इनका आसानी से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।